फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जी मेरे को तो आम पब्लिक से प्यार है, इन लोग का प्यार चाहिए, ये लोग मेरे को रिसीव करने आए, मैं बहुत खुश हूँ। देश को नई शताब्दी में शानदार तोहफा देने वाली मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक को कारगिल के शहीदों के नाम करते हुए भविष्य में भी चमकदार प्रदर्शन की इच्छा जताई। मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। मैं अगर मेरा देश को मैं ये लगता है कि मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए, अगर मैं जरूर करूंगी। 1994 में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भारोत्तोलन का पदक जीतकर समाचारों में छाने वाली मल्लेश्वरी ने 1995 में भी यह करिश्मा दोहराकर भारतीय खेल जगत के साथ साथ विश्व खेल परिदृश्य में अपना विशेष मुकाम बनाने का संकेत दे दिया था। अब जबकि मल्लेश्वरी अपने मुकाम के काफी करीब पहुंच चुकी है, उनकी नजरें भारतीय भारोत्तोलन के भविष्य पर है। मैं एक एकेडमी खोलना चाहूँगी और इंडिया में कितने भी पब्लिक और इंडस्ट्रियल है, जो भी कोई भी है, आगे आगे हेल्प करना चाहे तो मैं चाहूँगी वो आगे आके हेल्प करें। जो भी चाहते हैं वो मुझे आगे हेल्प कर सकते हैं। जो आगे और भी मेरे से अच्छा लिफ्टर्स को मैं तैयार कर सकूँ हमारे देश के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मल्लेश्वरी ने वो काम कर दिखाया जिसके लिए आला दर्जे की प्रतिभा, लगन और मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन कभी कभी भाग्य का रूठना भी असफलता से नाता जोड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मुक्केबाज गुरचरण सिंह के साथ, जो पदक से केवल एक कदम दूर रह गए। वैसे उन्हें किसी से कोई गिला नहीं है, बल्कि मेहनत पर भरोसा है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, दिल में तमन्ना हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। इन सब की जीती जागती मिसाल है मल्लेश्वरी, जिसकी सफलता की बुनियाद है मेहनत, लगन और धैर्य।